हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अमन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th न्यूक्ली चैप्टर न्यूक्लियस। और उसके अंदर सबसे पहले हम टॉपिक होगा हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या। तो जल्दी से बेटा अपने नोटबुक पेन निकाल लो, क्योंकि साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिस्कवर हुआ, क्यों हमें इसको पढ़ना है, क्या रीजन है हमें एटॉमिक मास मास यूनिट को पढ़ने का, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, और उसको आप नोट डाउन कर लो सबसे पहले, फिर हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइन एज दी वन बाय 12th ऑफ मास ऑफ एक कार्बन ऑफ 12th एटम। 12th एटम इट मींस जो कार्बन है उसका 12th पार्ट। चलिए बेटा, क्यों हमें एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत पड़ी। एक्चुअली में क्या हुआ था, डिस्कवरी हो रही थी काफी टाइम पहले, हाइड्रोजन की डिस्कवरी, हीलियम की डिस्कवरी। सो उनके मास को कंपेयर करा जा रहा था कि हाइड्रोजन का मास कितना है और हीलियम का एक एटम का मास कितना है। तो साइंटिस्ट ने एक एटम लिया, एक एलिमेंट लिया कार्बन। यू नो वेरी वेल कार्बन के जो एटॉमिक मास होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 12। एक कार्बन के एटम को उन्होंने 12th पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब 12 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया। तो 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो उन्होंने इनमें से एक टुकड़ा उठाया, एक छोटा सा कट पीस उन्होंने उठाया, और उस कट पीस को उन्होंने कंपेयर करा हाइड्रोजन के एक एटम से, हीलियम के एक एटम से। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि जो कार्बन का एक 1/12 पार्ट ऑफ एक एटम है, जो उसका मास है वो हाइड्रोजन के मास के सिमिलर है, हाइड्रोजन के मास के सिमिलर है। कैसे, अब देखिए यहां पर एटॉमिक मास यूनिट कार्बन की जो बेटा एक वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट की, वो है 1.67 × 10^-27। अभी मैं एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बात कर रहा, एक जनरल थ्योरी बता रहा हूं जो कि आपको समझनी है इन किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो उन्होंने हाइड्रोजन का एक एटम लिया, यू नो वेरी वेल एटॉमिक मास 1 होता है। तो जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, और 1 एटॉमिक मास यूनिट है जो एक कार्बन की, वो आपस में सिमिलर है। वो आपस में क्या है, सिमिलर, एग्जैक्ट सेम नहीं कह सकते हम, बट क्या है, सिमिलर है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा एटम उठाया, ऐसा एलिमेंट उठाया जिसका 12वां हिस्सा, जो 12वां हिस्सा का जो वेट है, जो 12वें हिस्से का जो मास है, वो जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनके सभी के मास के सिमिलर है, मास के सिमिलर। हीलियम हो गया बेटा, जैसे कि हम हीलियम की बात करें, हीलियम एटॉमिक मास 2 है, तो 2 × जब मैं बात करता हूं इसकी मास की, अब मैं कार्बन के कितने हिस्से उठाऊंगा, 2 हिस्से उठाऊंगा, क्योंकि एक हिस्सा मेरा ये रहा। अब मैं कार्बन के कितने हिस्से उठाऊंगा, 2, ऐसे 2। जब इनके 2 हिस्सों की मैं बात करूं तो जो उनका जो मास होगा वो इसके मास के क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्यों एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत पड़ी हमें, क्या एटॉमिक मास था, मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये था कि साइंटिस्ट ये चाहते थे कि कोई एक मुझे ऐसा एटम मिले जो सारे एटम के कंपेयर के मास में इक्वल हो। चलिए अब हम जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट है क्या। इट इज डिफाइंड एज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन। इतनी तो आप बात पता ही लग गई होगी आपको, कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12th एटम, मतलब जो कार्बन का जो मास है 12, उसका 12वां हिस्सा, उसका 12वें हिस्से को, 12th पार्ट को हमने बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट।
चलिए निकालते हैं हम एक बार एटॉमिक मास यूनिट को। हम सभी जानते हैं वन मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन 6.023 × 10³ एटम। क्लियर? सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.023 × 10³ एटम। बेटे वैल्यू से ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं एक एटम की वैल्यू निकालता हूं, व्हेन इन वन एटम, सो 12 ग्राम का ऑफ कार्बन डिवाइड बाय में 6.023 × 10³। एक एटम की मैंने बेटा वैल्यू निकाल ली। सो एट वन एटॉमिक मास यूनिट क्या बोलता है, 1/12 ऑफ कार्बन ऑफ वन एटम, कार्बन ऑफ वन एटम। तो बेटा कार्बन ऑफ वन एटम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12/6.023 × 10³। सो वन एटॉमिक मास यूनिट विच विल इक्वल टू 1/12 × कार्बन ऑफ वन एटम की वैल्यू कितनी है, 12/6.023 × 10³। क्लियर बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर साइड में करके भी लिख देता हूं बेटा, 1/12 × 12/6.023 × 10³। जब बेटा इस पूरी होल वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। किसमें आ गई बेटा, किलोग्राम में। सो यहां पर एक बात क्लियर होगी हमको कि जो वन एटॉमिक मास की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। क्लियर बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं इसके बाद आगे बता रहा हूं आपको। चलिए कुछ बातें और इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि वन एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम म्यू से भी लिख देते हैं बेटा, उसकी वैल्यू है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, जो कि हर एक एटम के मास के सिमिलर होगी, इसलिए हमने कार्बन की इस वैल्यू को कैरी किया था। इसी के साथ साथ हम मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू को भी पढ़ लेते हैं, 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट। बेटा जो वैल्यू है किसमें है, एटॉमिक मास यूनिट में, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पढ़ लेता हूं, 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। चलिए यहां से आपने अगर मैं कंपेयर करूं मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों में से किसका मास आपको ज्यादा लग रहा है? अगर मैं दोनों की बात करूं तो यहां पर मुझको जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है जिसकी वैल्यू है वो मुझे क्या लग रही है, ज्यादा दिख रही है। तो ये बात बिल्कुल बेटा सही है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है इज वेरी स्मॉल लार्जर देन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? इज वेरी स्मॉल लार्जर देन मास ऑफ प्रोटॉन। और एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, बेटे तीनों वैल्यू अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स इन तीनों वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। और अच्छे से जल्दी से नोटबुक पर कॉपी पेन उठाओ और इस छोटे से इंट्रोडक्शन एटॉमिक मास यूनिट को नोट डाउन करो। अगर कोई भी क्वेरी आपको इसके रिगार्डिंग, तो यहां पर मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, इस पर आप कॉल करके
या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट करके भी बता सकते हो। ये बेटा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था न्यूक्ली का, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर भी मैं आप बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप करके, मैं आपकी क्वायरी को दूर कर दूंगा। और साथ ही बेटा एक और बात बताने वाला हूं मैं कि ये जो चैप्टर है, अक्सर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं चैप्टर को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, बट थोड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग मैं कैसे कहूंगा इसको, देखो मिनिमम थोड़े मार्क्स का है चैप्टर, थोड़े मार्क्स हमारे हाथ में लिखे हैं। और ये मैं डैम श्योर आपको बता दूंगा कि किस कहां से कौन सा क्वेश्चन उठने वाला है। तो मेरी ये पूरी वीडियो की सीरीज जरूर देखना, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था। और जल्दी से इस मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना। वी नीड सपोर्ट, मुझे स्पोर्ट्स की काफी जरूरत है आपकी बेटा। थैंक यू सो मच।